तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों को यहाँ पे करते हैं वेलकम आज के इस ज़बरदस्त मुकाबले में। टीम वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पे दोस्तों 30 गेंदों में मात्र 97 रन चाहिए। क्या यहाँ पे चेस कर पाएगी या नहीं? पहली गेंद इस ओवर की क्रिस वॉक्स, सामने लुविस, बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। एक बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे आज। 30 गेंद 97 रन यहाँ पे। अंदरूनी किनारा, फील्डर मौजूद, हाथों में खेल बैठे। पहली गेंद पे झटका लगा यहाँ पे, पहली ही गेंद पे विकेट मिला है। यहाँ पे जाना पड़ेगा वापसी, बिल्कुल कतई समझ नहीं भाई, अपने आप से नाखुश, बिल्कुल एमिल लुविस अपने आप से नाखुश। देखना होगा वन डाउन पोजीशन पे किसको यहाँ पे दोस्तों भेजा जाता है। बिल्कुल बढ़िया सोच, निकोलस पूरन को भेजा गया यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। 29 बोले 97 रन चाहिए। इस ओवर की दूसरी गेंद, बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। ये है टीम वेस्ट इंडीज, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं भाई जब टारगेट बड़ा होता है। यहाँ पे गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज के द्वारा। क्या लगता है दोस्तों कितने रन और जोड़ पाएगी यहां से टीम वेस्ट इंडीज? 28 गेंद रन चाहिए, 91। क्या लगता है पहली गेंद पे जरूर विकेट मिली, लेकिन निकोलस पूरन ने शुरुआत की यहां पे 6 रन के साथ। जाएगी एक बार फिर से 6 रन के लिए, नतीजा सेम दोस्तों, बैक टू बैक सिक्स यहां पे। नहीं छोड़ेंगे भाई वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये बल्लेबाज। दो स्लिप्स के साथ गेंदबाजी जरूर जाती, लेकिन भाई साहब मिलेंगे यहाँ पे दो गेंदों पे 2 सिक्स। 27 बोले 85 रन चाहिए। क्रिस वॉक्स यहाँ पे मुश्किलात का शिकार यहाँ पे। अब भाई साहब तीसरा छक्का लीजिए इस ओवर का निकोलस पूरन के बल्ले से। कहीं ना कहीं लग रहा था पहली गेंद पे बाउंड्री आई है तो मैच होगा इंग्लैंड के हाथ में, लेकिन भाई साहब उसके बाद क्या बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिल रही है। 26 गेंद रन चाहिए, 79। देखना होगा अब कहां तक जाएगा स्कोर। 26 गेंद 79, मुश्किल हाथ में यहां पे वाइट गेंद करार दे गई, मुश्किल में दबाव का शिकार। क्या अगली गेंद पे भी यहां पे 6 रन लगाएंगे या नहीं? निकोलस पूरन बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे दोस्तों, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। अंदरूनी किनारा, हाथों में खेल बैठे, जाना पड़ेगा वापसी। 3 छक्के लगाने के बाद अंदर आते हुए गेंद, 18 रन बना के जाएंगे वापसी। अब देखना होगा दोस्तों, केल मेयर्स को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए, काफी बढ़िया बल्लेबाजी जरूर है। क्या अपनी टीम के लिए आज कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं? 25 गेंद है, 78 रन चाहिए। क्या टीम वेस्ट इंडीज चेस कर पाएगी? आगे की गेंद, ये बल्लेबाज नहीं छोड़ते, मिलेंगे 6 रन यहाँ पे। 6 रन के साथ दोस्तों जाएंगे अब अगले ओवर की तरफ। देखना होगा अगला ओवर किसको थमाया जाता है यहाँ पे। ये है वेस्ट इंडीज की टीम, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करती है भाई वेस्ट इंडीज की टीम। मार्क वुड को यहाँ पे लाया गया है, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं। 24 गेंदे रन चाहिए, 72। ताबड़तोड़ हमले, ब्रावो सामने, हेयर वी गो, बढ़िया कनेक्शन, अच्छी गेंद यहाँ पे सटीक यॉर्कर का प्रयास, एक ही रन मिलेगा। अब दोबारा से आ चुके हैं मेयर्स स्ट्राइक पे मौजूद, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। 23 बोले रन चाहिए, 71। क्या चेस कर पाएंगे या नहीं? 23 बोले 71 रन, हेयर वी गो। इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया कनेक्शन, 4 रन मिलेंगे। ओ हो, जब जब इनके बल्ले से गेंद निकलती है क्या ही भाई साहब आवाज आती है। लीजिए 4 रन मिलेंगे, बिल्कुल गेम तलाश किया वेस्ट इंडियन स्टाइल में यहाँ पे खेला है। 22 से बोले 67 रन चाहिए। क्या चेस कर पाएगी टीम या नहीं? अगली गेंद इस ओवर की गेंदबाज तैयार, बढ़िया गेंदबाजी जरूर, बढ़िया कनेक्शन, 4 रन और मिलेंगे बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे। टीम वेस्ट इंडीज बिल्कुल यहाँ पे करारा प्यारा प्रयास दिखाते हुए दोस्तों, खिलवाड़ करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ। पहले इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए महान बड़ा टारगेट सेट जरूर किया, लेकिन उसके बाद भाई साहब ये है वेस्ट इंडीज की टीम, इसी प्रकार की करते हैं बल्लेबाजी। छोटी गेंद, भरपूर फायदा, 6 रन मिलेंगे लेग साइड की जानेब। भाई साहब कहां पे डालेंगे गेंद? जब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हो तो गेंद कहां पे डालेंगे? छोटी गेंद डालेंगे तो छक्का, आगे गेंद डालेंगे तो छक्का। अब 20 गेंद रन चाहिए, 57। मुकाबला बढ़िया चलते हुए यहाँ पे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के द्वारा। इस बार तबाह खूबसूरती के साथ 4 रन मिलेंगे, डाउन द ग्राउंड, मेयर्स ऑन फायर। अभी भी रन काफी चाहिए, लेकिन इस शॉट में, इससे खूबसूरत शॉट क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता। 19 बोले 53 रन चाहिए। कहां तक जाएगा आज का स्कोर? अभी भी 200 इसके बाद 3 ओवर का खेल है बाकी। स्कोर कितना बनाएगी यहाँ पे टीम वेस्ट इंडीज?
बढ़िया कनेक्शन, चार रन और मिलेंगे यहाँ पे। चतुराई के साथ खेला गया है स्ट्रोक। मैच में दोस्तों मजा आ रहा है, क्या स्पिन गेंदबाज को लाया जाएगा। बिल्कुल बढ़िया सोच टीम इंग्लैंड के द्वारा, वेस्ट इंडीज। अब देखते हैं किस प्रकार का करती है दोस्तों बल्लेबाजी। आदिल रशीद को लाया गया, काफी बढ़िया गेंदबाज जरूर है। एक स्लिप के साथ आदिल रशीद चले, स्वीप कर दिया। नतीजा शुरुआत इस ओवर की भी हुई है चार रन के साथ। चाहे स्पिन गेंदबाज हो या फास्ट गेंदबाज हो, फिलहाल तो भाई रन ही बढ़ रहे हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम नहीं रुकने वाली। 17 गेंदें मात्र, 45 रन अब चाहिए। इस बार दबा भी बढ़िया कनेक्शन, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। क्या आदिल रशीद यहां पे मैच को दोस्तों फंसाएंगे, यहां रन चेस देखने को मिलेगा। 16 गेंदें, रन चाहिए 45। बढ़िया मुकाबला आज का जारी, क्या फंसाएंगे यहां पे या नहीं। हवा में जरूर खेल बैठे, नीचे फील्डर मौजूद। गेंद क्या चार रन के लिए जाएगी? बिल्कुल जाएगी चार रन के लिए। अभी भी दोस्तों मुकाबला फंसा हुआ है, मैं आपको बताता चलूं, अभी भी मुकाबला फंसा हुआ है क्योंकि वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए अभी भी 41 रन चाहिए। गेंदे हैं 15, रन रेट लगातार बढ़ते हुए। इस बार स्वीप जरूर किया, लेकिन फील्डर मौजूद, दो की मांग, लेकिन एक ही रन मिलेगा। क्या रन चेज हो पाएगा या नहीं, एक एक बार आप सभी ने दोस्तों कमेंट करके लाजमी बताना है क्या ये रन चेज हो पाएगा या नहीं। 14 बोले हैं, रन से चाहिए 40, 14 बोले 40 रन। बढ़िया मुकाबला आज का जारी, अगली गेंद इस ओवर की, 6 रन मिलेंगे। बिल्कुल वेस्ट इंडीज की टीम खतरनाक मूड में दिखाई देते हुए। भाई अगर मैच में मजा आ रहा है तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। गूगली का प्रयास किया था, पढ़ लिया था, बैकफुट पे गए थोड़ा सा और सीधे बल्ले के साथ। अब 13 बोले 34 रन चाहिए। विकेट लेना बहुत जरूरी टीम इंग्लैंड के लिए, यहाँ पे विकेट लेना पड़ेगा भाई टीम इंग्लैंड को। इस मरतबा से लोअर गेंद, फील्डर मौजूद, टाइमिंग बढ़िया नहीं, जाइए वापस। आदिल रशीद ने दिलाया ब्रेक थ्रू, यहाँ पे सीधे हाथों में खेल बैठे। एक बार फिर से नजर डालेंगे, करना है आप सभी ने एक बार चैनल को सब्सक्राइब। अगर आज का ये मुकाबला पसंद आ रहा है तो कीजिए सब्सक्राइब, जाना पड़ेगा वापसी यहाँ पे। अब देखना होगा दोस्तों, पोलार्ड को भेजा गया भाई साहब, क्या पोलार्ड अपनी टीम को जितवा पाएंगे या नहीं। डेविड वेली को लाया गया, 12 गेंदे 34 रन, मुकाबला काफी बढ़िया रहने वाला है यहाँ पे। 12 गेंदे 34 रन, क्या ब्रावो जितवा पाएंगे अपनी टीम को। बढ़िया कनेक्शन, दो की मांग, क्या रन आउट होंगे पहली ही गेंद पे? और डायरेक्ट थ्रो लगती तो यकीनन रन आउट हो सकते हैं। ये है क्रिकेट, क्रिकेट दोस्तों गिरगिट की तरह रंग बदलती है। देखना होगा, 11 गेंदे मात्र 33 रन, रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ते हुए। 11 गेंदे, रन चाहिए 33, क्या लगता है दोस्तों? बढ़िया सोच पोलार्ड की, लेकिन चतुराई दिखाई यहां पे गेंदबाज ने। अब मुकाबला यहां पे दोस्तों फंसते हुए, 10 गेंदे 33 रन। डेविड वेली काफी बढ़िया गेंदबाज जरूर है, मैं आपको पहले ही बता रहा था। टारगेट काफी बढ़िया है दोस्तों, टारगेट काफी बढ़िया है, लेकिन भाई बढ़िया टारगेट को मुंह देने के लिए सामने खड़ी है वेस्ट इंडीज की टीम। जवाबी कार्रवाई यहां पे जारी है, वेस्ट इंडीज के ताबड़तोड़ हमले जारी है। खूबसूरत ड्राइव किया इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर की जाने पर। 9 गेंदे 29 रन, क्या जितवा पाएंगे अपनी टीम को? करण पोलार्ड काफी सीनियर के बल्लेबाज मौजूद क्रीज पे। बढ़िया गेंद, लेकिन नहीं कर पाए कनेक्ट। बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे, एक कम से कम एक बाउंड्री आनी चाहिए दोस्तों। मात्र 4 गेंदों पे 5 रन आए हैं यहाँ पे, एक बाउंड्री आनी चाहिए किसी भी हालत में। बढ़िया कनेक्शन, मिलेंगे 6 रन। वेस्ट इंडीज की टीम है ये भाई साहब, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली वेस्ट इंडीज की टीम। इसी प्रकार से करती है बल्लेबाजी। अब 7 गेंदे, रन चाहिए 23, क्या लगता है आखिरी गेंद सेव करने में कामयाब होंगे या नहीं? इस ओवर की आखिरी गेंद, ओ बढ़िया कनेक्शन करना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए दोस्तों। जाएंगे अगले ओवर की तरफ, अब चाहिए यहाँ पे, देखते हैं कितने रन चाहिए। 6 गेंदे, रन चाहिए 23, क्या लगता है दोस्तों क्या जीत पाएगी या नहीं? 6 गेंदे 23 रन, मुकाबला काफी बढ़िया, सामने मौजूद ब्रावो। बढ़िया गेंद यहाँ पे, स्लो ओवर बाउंसर, कनेक्ट नहीं कर पाए सही से, एक ही रन मिलेगा। 5 गेंदे 22 रन, क्या जीत पाएगी टीम या नहीं? 5 गेंदे 22 रन, बढ़िया मुकाबला आज का जारी है। 5 गेंदे 22 रन, अगली गेंद इस ओवर की, पोलार्ड है गेंदबाजी पे तैयार। बढ़िया कनेक्शन, 6 रन मिलेंगे। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे पोलार्ड के बल्ले से, 81 रन में जा पहुंचा स्कोर। क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा आज का ये मुकाबला? 81 रन में जा पहुंचा स्कोर, बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी बढ़िया। 4 गेंदे 16 रन यहाँ पे चाहिए, क्या करण पोलार्ड अपनी टीम को जितवा पाएंगे या नहीं? 4 गेंदे, रन चाहिए 16।
यॉर्कर पे तो नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, सीधा बल्ले पे दे दिया बना के, 6 रन और मिलेंगे इस मर्तबा, उससे भी लंबा शॉट। ओ माय गुडनेस, क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है भाई, क्या ही बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 3 बॉलें 10 रन चाहिए, 10 3 बॉलें 10 रन, बढ़िया मुकाबला आज का जारी, 3 गेंदें 10 रन चाहिए, बढ़िया कनेक्शन मिलेंगे, 6 रन नहीं छोड़ेगी टीम वेस्ट इंडीज, नहीं छोड़ेगी इस मर्तबा, चतुराई दिखाई, पेस का इस्तेमाल किया, 2 गेंदे 4 रन चाहिए, ओ माय गुडनेस, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों फील्डर्स अंदर, 2 गेंदे रन चाहिए 4, चलिए अगली गेंद इस ओवर की, बढ़िया कनेक्शन, 4 रन मिलेंगे, क्या 4 रन मिलेंगे, ओ माय गुडनेस, वेस्ट इंडीज ने ये मुकाबला अपने नाम किया। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जाते जाते भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, वेस्ट इंडीज यू ब्यूटी।